केंद्रीय गृह मंत्री राज्य अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया। भारी हंगामे के बीच सोमवार को जब बिल पेश हुआ तो विपक्ष की तरफ से इस पर मतदान की मांग की गई है। जब वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 293 और विरोध में सिर्फ 82 वोट पड़े तो सदन में इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई, जहां विरोधी दल लगातार देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह साफ किया कि जो देश का विभाजन कांग्रेस ने किया उसी के चलते इस बिल को आज लाने की जरूरत पड़ रही है। तो अमित शाह और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक यहां पर देखी गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया और जोरदार हंगामे के बीच जब बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने इस पर मतदान की मांग की और जब वोटिंग हुई तो कुछ अलग ही नजारा यहां पर देखने को मिला। जो विरोध यहां पर किया जा रहा था, इस दौरान 375 जो सांसद थे वो सदन के अंदर मौजूद थे और बिल के पक्ष में जहां 293 वोट पड़े तो वहीं विरोध में महज 82 वोट पड़े। तो सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक इस बिल को लेकर देखी गई। तो इस हंगामे के बीच कई बार ओम बिरला को भी बीच में बचाव करना पड़ा और सभी उन्होंने कहा कि जब सांसदों से बोले लोकसभा स्पीकर इतना जोश मत दिखाया करो, जिसको कहा जाए वही सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। तो नागरिकता बिल पर संसद में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 0.001% भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है ये बिल। मान्यवर अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म?